हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा टी टेस्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोग थियोरिटिकली तो ये पढ़ चुके हैं कि टी टेस्ट क्या होता है, उसके बाद टी टेस्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है, टी टेस्ट का एजम्पशंस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो थोड़ा डेप्थ में डिस्कस होगा कि टी टेस्ट जो है वो एक्चुअली में आप अप्लाई कैसे करें आपके रिसर्च वर्क में। ठीक है, अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ देखें वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एजम्पशंस और टी टेस्ट क्यों होता है। टी टेस्ट क्यों होता है, देखिए, टू कंपेयर द मीन्स ऑफ द सैम्पल वेदर देयर इज एनी डिफरेंस और नॉट। एक होता है, आप लोगों को मालूम है कि वन सैम्पल टी टेस्ट, फिर आता है पेयर्ड टी टेस्ट, फिर होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए टी टेस्ट में देखा जाता है कि जो मीन्स होता है सैम्पल का, वो देखा जाता है कि मीन के अंदर कुछ डिफरेंस है कि नहीं, किस किस चीज़ के साथ डिफरेंस है या नहीं, सैम्पल मीन के साथ पॉपुलेशन मीन का कोई डिफरेंस है या नहीं। ओके, एंड टी टेस्ट का एजम्पशंस क्या होता है, देखिए, वी डोंट नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द सेकेंड एजम्पशन इज द सैम्पल साइज मस्ट बी लेस देन 30। अगर ग्रेटर देन 30 हो गया तो क्या होगा, वो जेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो सैम्पल मस्ट बी लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मस्ट बी अननोन। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन देखिए कि ये एक्चुअली में मतलब जो जो एजम्पशन सब वो क्यों होता है। अगर आप लोग ये समझ लेंगे तो टी टेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, टी टेस्ट इज बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कंसिडर्ड एन एप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सैम्पल मीन। ये हो गया वन सैम्पल टी टेस्ट के लिए, जो कि जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सैम्पल मीन वेदर टू चेक एनी डिफरेंस विद द पॉपुलेशन मीन और नॉट एंड जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स इन केस ऑफ स्मॉल सैम्पल्स व्हेन द पॉपुलेशन वेरियंस इज नॉट नोन। जो सेकेंड बुलेट वाला है ये टू टेस्ट के टू सैम्पल टेस्ट उसके लिए, और आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए है, और जो पहला वाला था कि जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पल मीन, ये है वन सैम्पल टी टेस्ट। कब होगा, पॉपुलेशन वेरियंस इज नॉट नोन। अभी ये देखिए, ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टी टेस्ट के लिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चीज़ है ये हम आगे देखेंगे। In which case we use variance of the sample as an estimate to the population variance. ठीक है, population variance के लिए हम लोग यहाँ पे sample का जो है sampling का variance है, sample का standard deviation को देखते हैं। population standard deviation हम लोगों को नहीं मालूम होता है, ये सब assumptions है। okay, third देखिए, when the standard deviation of the sample is substituted for the standard deviation of the population, the statistic doesn't have a normal distribution. It has what called t-distribution. ये क्यों होता है, अगर आप लोगों ने central limit theorem पढ़ा है तो central limit theorem के according the greater the sample size the distribution will be normal. ठीक है, तो 30 जो sample size है वो बहुत ही कम होता है, और ये justify नहीं होता है कि 30 sample size और जो degree of freedom का जो formula होता है वो हर एक sample के group में एक अलग अलग कोई value दिया जाए, तो इसीलिए normal distribution नहीं, यहाँ पर t-distribution use होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है। कि एक बार देखिए फिर से, व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, द स्टैटिस्टिक डजंट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज व्हाट इज कॉल्ड द टी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे देखा जाता है जेड स्कोर कैलकुलेट करके, जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस म्यून डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट में हम लोगों को पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम हुआ होता है, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट किससे करते हैं, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, इसीलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जेड स्कोर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये एक बार पढ़िए, In order to use the area of the normal curve to determine the probability of occurrence of a given value, इसके लिए normal distribution use होता है, the value must be standardized or converted to z-score, and for converting a value to z-score, we must have the value of population standard deviation. ठीक है, population standard deviation हम लोगों को नहीं मालूम होता है कहाँ पे T
टी टेस्ट में, इसीलिए हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इन केस टू सैंपल्स आर रिलेटेड वी यूज पेयर्ड टी टेस्ट और व्हाट इज नोन एज डिफरेंस टेस्ट फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू रिलेटेड सैंपल। ये क्या होता है, देखिए पेयर टी टेस्ट में जो अन अकेडमी है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने डेटा कलेक्ट किया, आपके सैंपल के थ्रू से देखा कि अन अकेडमी में पढ़ने के बाद कैसा प्रोग्रेस हुआ और अन अकेडमी में नहीं पढ़ने के बाद कैसा प्रोग्रेस होता है। ओके, तो ये चीज़ देखेंगे। तो आपने सेम ग्रुप ऑफ सैंपल को ही लिया, मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट्स को पहले आपने दिया, 30 स्टूडेंट्स जो था वो लोग पहले अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेता था, ठीक है, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेता था, इसीलिए उन लोगों का प्रिपरेशन कैसा था और फिर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके उनका प्रिपरेशन कैसे हुआ। ओके, और एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस टी टेस्ट के वीडियो को देखने के बाद समझे, टी टेस्ट क्लियर हुआ, और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखने के बाद पहले क्लियर हो चुका था, ठीक है, समझ में आया था। ऐसे करके पेयर टी टेस्ट होता है, मतलब कि सेम सैंपल ग्रुप में आप कोई मैन्यूपुलेशन करने के पहले क्या डिफरेंस, क्या स्कोर है और मैन्यूपुलेशन करने के बाद। ओके, अभी देखिए टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है, आर दी टू सैंपल सेट्स आर रिलेटेड, इफ यस देन पेयर्ड। क्या बोला था वो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि क्लास कोई मैन्यूपुलेशन करने के बाद कैसा था और मैन्यूपुलेशन करने के पहले, इन द सेम ग्रुप ऑफ सैंपल। ओके, इफ नो देन आर दी टू सैंपल सेट्स ऑफ सेम साइज, इफ यस देन इक्वल वेरियंस, सेम साइज ऑफ सैंपल, तो वेरियंस होना, सेम होना भी ये एक एजम्पशन होता है। अगर नहीं है, सेम सैंपल साइज का नहीं है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, डू द टू सैंपल सेट्स हैव द सेम वेरियंस, अगर फिर से येस हुआ तो इक्वल वेरियंस टेस्ट, अगर नहीं हुआ तो अनइक्वल और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। फिर से समझिए, अगर सैंपल सेट्स का सेम, टू सैंपल सेट्स अगर रिलेटेड हुआ तो पेयर टी टेस्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या उसका वेरिएंस सेम है। ओके, अगर वेरिएंस सेम होगा तो इक्वल वेरिएंस में इक्वल वेरिएंस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होगा, और अगर नहीं होगा तो हम देखेंगे कि सैंपल का वेरिएंस क्या सेम है, अगर हो सेम है तो इक्वल वेरिएंस होगा, अगर नहीं है तो अनइक्वल होगा। ओके, ये देखिए थोड़ा सा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट कैसा आता है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है। पैरामेट्रिक में पहले कैसे आता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स टू बी कंपेयर्ड, इफ अनपेयर्ड देन पैरामेट्रिक में आएगा अनपेयर्ड टी टेस्ट, एज्यूम्ड इक्वल वेरिएंस हुआ तो क्या होगा बोलिए, स्टूडेंट टी टेस्ट, और अगर नहीं हुआ तो वेल्क टी टेस्ट, और अनपेयर्ड में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है मैन व्हिटनी यू टेस्ट, पेयर्ड में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है विल्कॉन्सन साइंड रैंक टेस्ट, एंड पैरामेट्रिक में पेयर्ड टी टेस्ट। ओके, तो ये चार्ट आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये जो वन सैंपल टी टेस्ट है, ये इसका फॉर्म्यूला है, देखिए फॉर्म्यूला क्या है, टी स्टैटिस्टिक्स का मीन माइनस ये पॉपुलेशन होगा, ठीक है, सॉरी पॉपुलेशन मीन होगा, और एक वे और अलग शब्दों में बोला जाए तो ये होगा आपका जो हाइपोथाइज्ड वैल्यू के साथ आप आपका मीन स्कोर कंपेयर करना चाहते हैं वो आएगा यहाँ पे। ये होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड ये होता है आपका सैंपल साइज। आप लोग ये बोलिए कि जेड स्कोर का फॉर्म्यूला क्या है, मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाई रूट ओवर एन। तो हमने यहाँ पे क्या टी स्कोर का क्या एजम्पशन है कि हम लोगों को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम हुआ होता है, और हम लोग इसीलिए सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। तो जब आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे तो वो टी टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर मीन एक्स बार इज़ द सैंपल मीन एंड इट इज़ अ स्पेसिफाइड वैल्यू टू बी टेस्टेड, एंड एस इज़ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एस इज़ द एन इज़ द साइज ऑफ द सैंपल। एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म्यूला देखिए क्या होता है, रूट ओवर समिशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है।
उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर वन सैंपल टेस्ट एन माइनस वन एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर टू सैंपल टेस्ट दैट इज एन प्लस वन प्लस एन टू माइनस टू। ओके, तो वन सैंपल टी टेस्ट कब यूज होता है? व्हेन वी वांट टू कंपेयर सैंपल मीन विद द पॉपुलेशन मीन। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए एक प्रॉब्लम है। अ प्रोफेसर वांट्स टू नो इफ हर इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स क्लास हैज अ गुड ग्रैस्प ऑफ बेसिक मैथ। सिक्स स्टूडेंट्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास एंड गिवन अ मैथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द प्रोफेसर वांट्स द क्लास टू बी एबल टू स्कोर अबव 70 ऑन द टेस्ट। द सिक्स स्टूडेंट्स गेट स्कोर 62 एंड सो ऑन। Can the professor have 95% confidence that the mean score of the class of the test? तो ये बोलिए कि फॉर्म्यूला क्या है। फॉर्म्यूला है मीन माइनस जो आप जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं जो वैल्यू के साथ, यहाँ पे क्या होगा वो 70 ओके डिवाइडेड बाय आपका रूट सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट ओवर एन। तो मीन को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैंपल साइज कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा बोलिए? वन सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए? जो कि 6 माइनस 1 दैट इज 5। ओके, तो नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट करेंगे। तो ये है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके वन सैंपल टी टेस्ट के ऊपर बेस करके। तो जहाँ पर देखिए प्रोफेसर वांट्स टू नो इफ आर इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स क्लास हैज अ गुड ग्रैस्प ऑफ बेसिक मैथ। सिक्स स्टूडेंट्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास एंड गिवन मैथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द प्रोफेसर वांट्स द क्लास टू बी एबल टू स्कोर अबव 70 ऑन द टेस्ट। द सिक्स स्टूडेंट्स गेट स्कोर so on and can the professor have 95% confidence that the mean score of class at least above 70। तो इसका significance level कितना हुआ? 5%। ठीक है, और एक बार बोलिए कि formula क्या है, repeat कीजिए। mean minus आपका delta by और आप mu भी लिख सकते हैं, ठीक है, divided by सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ओवर एन। ओके, अभी सॉल्व देखिए। सबसे पहले तो आपको हाइपोथेसिस स्टेट करना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो देखिए नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू 70 एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 70। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों को मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि 475 है एंड आपको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को करना पड़ेगा वो उस फॉर्मूला के थ्रू से जो कि है रूट ओवर बोलिए रूट ओवर एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। करने के बाद आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके ये जो आपका वैल्यूज निकला इसको आप आपके टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ कंपेयर करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ कंपेयर करने के बाद कैसे ये करेंगे? ये एक वन सैंपल टी टेस्ट है क्योंकि यहाँ पर लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन है। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए आप सपोज करें कि ये हो गया और यहाँ पर आप 5% रीजियन है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पर आपका है, तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इस रीजियन में आ जाए, ठीक है, अगर इस रीजियन में आ जाए तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजियन से क्रॉस करके यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर आ जाए तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है इसीलिए नहीं देख पा रहा है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे? 5। ओके, तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आप देखेंगे एंड 5% सिग्निफिकेंस लेवल में आप देखेंगे कि वन साइडेड टेस्ट में टी टेस्ट का सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है।
ठीक है। तो ये था वन सैंपल टी टेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टू सैंपल टी टेस्ट, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि है इक्वल वेरियंस एंड सैम्पल साइज हो तो पूल्ड वेरियंस कब आता है और पूल्ड वेरियंस क्या होता है, उसके ऊपर बेस करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि टी टेस्ट क्या होता है। ओके, तो आसान था और कुछ नहीं। मिलते हैं अगली लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर।